हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दक्षिण के स्वाद में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सब्जी का स्पाइस मिक्स बताऊंगी, जो मसाला है जो हम सब्जियों में यूज करते हैं। मल्टीपर्पज है, हमारे यहाँ शादियों में भी इसी मसाले से बनाई जाती है सब्जियाँ। हाँ दोस्तों, आज जो हम सब्जी का मसाला बना रहे हैं ना, वो आप एक बार इस नाप से बना के रखेंगे तो कम से कम 6 महीना तक आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और अगर बाहर है तो आप वो 2 महीना रख सकते हैं। ये जो घर है ना, मेरे खिड़की के पास से दिखता है, तो मैंने सोचा बहुत सुंदर लगता है देखने में दूर से, तो मैंने सोचा आपको भी एक बार दिखा दूं, क्योंकि हम मसाले बना रहे हैं ना, तो इसलिए दिखा रही थी आपको। और इसमें जो सामान चाहिए वो सब आपके पास घर में ही होंगे। मैंने उड़द की दाल आधा कटोरी ली है, और चने की दाल आधा कटोरी ली है, और तिल्ली मैंने आधा कटोरा लिया है, और मैंने 20-25 सूखी मिर्च ली है, और 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है, और 1 चम्मच जीरा है। हाँ दोस्तों, चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया है, बड़ा चम्मच, और उसके बाद मैंने आधा कटोरा चने की दाल ली है। चने की दाल सबसे पहले इसे डालते हैं कि उसको ना एकदम सबसे समय लगता है भुनने में, तो उसको डालने के बाद जैसे थोड़ा हल्का भुनेगा, उसके बाद हम आधा कटोरी उड़द की दाल डालेंगे, और उसको भी धीमी आँच पर ही भुनेंगे। इन मसालों में प्याज लहसुन की जरूरत नहीं रहती है। मैंने देखे अभी आधा कटोरी मैंने धनिया लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है, और उसको भी हम ये मसाला बनते में कम से कम हमको 3 से 4 मिनट लगेगा, हमें धीमे आंच पे ही भुनना है। मैंने आधा कटोरी से ज़्यादा तिल्ली लिया है, इसमें तिल्ली का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है, तो आप उसको डाल सकते हैं आधा या उससे भी थोड़ा ज़्यादा। और मैंने देखे धीमे आँच पर ही भुन रही हूँ, वैसे आप कोई भी नाप रख सकते हैं, मैंने आधा कटोरी का नाप रखा है। अगर आपको कप का नाप चाहिए तो आप कप के नाप से बना सकते हैं। और मैंने अभी सूखी मिर्च डाले हैं। सूखी मिर्च पहले डालने से ना हम ये इतना भूनते सकते हमें खांसी आ जाएगी उसके तीखेपन के कारण, और ये मेरा वाला जो मिर्ची है ना वो तीखा ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए मैंने 25 डाले हैं। मैंने 2 टीस्पून इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च के पाउडर डाली है, और 1 चुटकी मैंने नमक डाला है। मैं नमक ज़्यादा नहीं डाली हूँ, क्योंकि हम सब्जी के बनाते समय डालेंगे। और इसमें मैं अपना सीक्रेट डाल रही हूँ, वो है एक छोटी सी ढेली देखिए ना गुड़ की, जो कि हमारे मसाले को बैलेंस करेगा। 10 ग्राम का इमली डाला इसलिए, क्योंकि हम जब सब्जी बनाते हैं ना तो कभी कभी बैगन कसैला आ जाता है, तो ये खट्टापन उसको कम करेगा। और देखिए मैंने 1 चुटकी हींग ली है, और मैंने उसमें चम्मच को रख दिया, क्योंकि मेरा हींग ना बहुत ही फ्लेवर वाला है। और देखिए दोस्तों, हमारा लगभग मसाला भुन गया है। अब उसको मैंने गैस बंद कर लिया, उसको ठंडा करने के लिए रखा है, और ठंडा करने के बाद इसको हम दरदरा पीसेंगे। मैंने इसमें नमक सिर्फ चुटकी भर डाला था, बाकी नमक हम सब्जी बनाते समय डालेंगे, क्योंकि कभी कभी हम सब्जियों में मसाला ज़्यादा डालते हैं और कभी कम डालते हैं, तो इसे सब्जी के हिसाब से हम मसाला डालेंगे ना, तब नमक भी हम उसके हिसाब से डालेंगे। सिर्फ मैंने स्वाद के लिए 1 चुटकी डाला था नमक। दोस्तों, आंध्रा के फेमस कारमपेटी गुंडा तैयार है। इस मसाले से कम से कम आप 50 प्रकार की सब्जियां बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, अभी जो बताऊंगी वो मेथी का मसाला रहता है, जो हम किसी सांभर में पुलसू में डालते हैं, तो मैं इसलिए एक सब्जी का मसाला और एक पुलसू का मसाला बता रही हूँ। इसके लिए हमें सरसों और मेथी चाहिए, तो मैं नाप दिखा देती हूँ। हम 2 टेबलस्पून सरसों लेंगे और 1 टेबलस्पून मेथी लेंगे, तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे एकदम धीमे आंच पे, तब तक के हम भुनेंगे जब तक कि हमारे सरसों और मेथी ना एकदम भूरे रंग में ना हो जाए। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सरसों और मेथी को ही भून रही हूँ। जब हम अचार का मसाला बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़े कुछ और चीज़ें भी डालते हैं, लेकिन ये मैं अभी सिर्फ चटनी और पुलसों में डालने के लिए बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ मैं सरसों और मेथी को ही भून रही हूँ। हम इसका नाप घटा बढ़ा सकते हैं, पर मैंने अभी थोड़ा सा ही दिखाया है आपको। ये आप एक बार बना के रख लेंगे तो कम से कम 2 महीने तक के काम आता है। और सरसों और मेथी को हमें इतनी देर भुनना है जब तक कि भीनी भीनी खुशबू ना आए, और जब भुनता है ना तो एकदम भूरे रंग में आ जाना चाहिए। हमारा ये पाउडर जब तैयार होता है ना, तो कॉफ़ी के रंग में एकदम डार्क ब्राउन कलर में आना, यही उसकी निशानी है। और इस पाउडर को आप एक बार बना के रख लेंगे ना, और इस पाउडर को आप 1 चुटकी किसी भी चटनी में डाल सकते हैं। मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इस पाउडर को तो मैं अचार में भी डालती हूँ। और देखिए, हमारे मेथी और सरसों भुन गया है, अब इसको हम एकदम महीन पीसेंगे ठंडा होने के बाद। हाँ दोस्तों, देखिए हमारा मेथी का पाउडर मेथी गुंडा तैयार हो गया है। इसे आप किसी भी चटनी सब्जियों में डाल सकते हैं 1 चुटकी, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, आज मैंने आपको 2 मसाले बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिरी तक के देखने के लिए धन्यवाद।